दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया, आप भी इसे अच्छी तरह फेंट लीजिएगा। इसके बाद मैंने 2 से 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें मैंने इस तरह काट लिया। इसके अलावा एक मैंने बड़ा टमाटर लिया, उसे मैंने चॉप कर लिया। उसके बाद हरी मिर्च लिया, ये हसबे ज़रूरत है, आप जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं। इसके अलावा अदरक और लहसुन की पेस्ट है, ये अदरक और लहसुन की पेस्ट हमने लिया जी, ये 1 चम्मच मैं डालूंगा इसके अंदर। अब हम चलते हैं स्पाइसेस की तरफ जी। ये मैंने काली मिर्च लिया, काली मिर्च मैं आधे चम्मच से थोड़ा सा कम डालूंगा, वैसे आप हसबे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं काली मिर्च को भी। ये 1/4 होगा जी हल्दी का। उसके बाद ये आधा चम्मच होगा जी सूखा धनिए का, ये सूखे धनिए का पाउडर लिया है, आधा चम्मच होगा। इसके अलावा ये सुर्ख मिर्च है, ये भी 1/4 कह लें आप, थोड़ी सी डालूंगा क्योंकि मैं काली मिर्च में पका रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालेंगे टेस्ट के लिए। इसके बाद ये नमक है जी, नमक अगेन हसबे ज़रूरत होगा, आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। और ये जो मटन है हमारे पास, ये आधा किलो है। अब देखते हैं कि इसे कैसे और किस तरह पकाएंगे। ये मैंने जी प्रेशर कुकर ले लिया, कुकर के अंदर मैं अपनी मटन डाल दूंगा। मटन डालने के बाद ये सब्जी टमाटर और प्याज ये मैं डाल दूंगा। इसके बाद ये थोड़ी सी सुर्ख मिर्च है ये डाल दूंगा, सूखा धनिया ये डाल दूंगा। उसके बाद ये हल्दी है, हल्दी डाल दूंगा। और उसके बाद ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये डाल दूंगा सारी इसके अंदर, ये मैंने डाल दी है। जो दही और काली मिर्च है ये मैं बाद में डाल दूंगा इसे भूनने के बाद। इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूंगा प्योर घी, यानी कि देसी घी, वो डालूंगा, और साथ में क्रीम और मक्खन का इस्तेमाल करूंगा। अब ये मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करने लगा हूँ। ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा हलाएंगे और बंद करके चूल्हे पर रख देंगे, और ये नमक साथ में हम डाल देंगे, ये नमक भी डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें डाल गई हैं, अब इसे थोड़ा सा हला लेंगे ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं आपकी अच्छी तरह। अब मैं इसे ढक्कन लगा कर 20 से 25 मिनट के लिए चूल्हे पर रख दूंगा। ये इसे मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, अब हम इसे 20 से 25 मिनट बाद खोल कर देखेंगे कि क्या बना। अब जी इसे मैं खोल कर देखने लगा हूँ, 20-25 मिनट हो गए, अब ये देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। ये सारी ओस मेरे कैमरे के ऊपर आ गई है, ये देखें जी आप, ये इस सिचुएशन में है, पानी इसका खुशक हो गया और बोटी भी गल गई है। अब मैं इसे खुले बर्तन में ढेल लूंगा ताकि आपको वाजिया नजर आए। ये हो गया, ये बर्तन मैंने खुला ले लिया, इसके अंदर मैं आ गई है अपना जो सारा सालन है वो मैं उंडेल दूंगा। अब ये देखें जी, इसमें थोड़ा सा पानी है, ये अब भूनते भूनते ये खुश हो जाएगा। मैंने वैसे इसके अंदर डालना है अपना मक्खन और थोड़ी सी क्रीम, लेकिन मैं थोड़ा सा जो सिर्फ थोड़ा सा ऑयल ना, ज़्यादा नहीं, इतना सा ऑयल बस मैं इसके अंदर डालने लगा। अब इसे 5-6 मिनट पकाते हैं ताकि इसका पानी खुश्क हो। अब ये देखें जी, पानी इसका खुश्क हो गया, अब मैं इसके अंदर डालने लगाऊंगी अपना मक्खन। हम इसके अंदर आप मक्खन डालेंगे जी। अब इसके अंदर ये मैंने मक्खन डाला है, मक्खन आप डाल सकते हैं 50 ग्राम तक, अगर थोड़ी सी ग्रेवी आपको ज़्यादा रखनी है तो आप आधा किलो में 100 ग्राम तक चले जाएं, तो ये ज़रा उसमें टेस्ट अच्छा सा दे देगा। अब इसे डालने के बाद हम इसे भूनेंगे 5 मिनट ताकि गोश्त में जो मज़ीद बदबू वगैरह कोई चीज़ रह गई हो तो वो ख़त्म हो जाए सारे।
थोड़ा सा मैं और डालने लगा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाला। अब ये देखें जी, ये अच्छी तरह भुन गया, इसमें साइडों पर सारा घी आ गया। अब घी इसकी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगा जी दही। काली मिर्च मैंने अभी नहीं डाली, वो मैं एंड पर डालूंगा ताकि उसका जो फ्लेवर है वो बरकरार रहे। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं दही डालूंगा जी। दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना इसके अंदर ताकि फुटकरियां ना बने, अच्छी तरह आपने फेंट लेना। ये दही मैंने डाल दी। दही की क्वांटिटी जो है वो 75 ग्राम होगी आई थिंक, या आप आधा कप ले लें। तो ये आ गई जिसके अंदर। अब जी इस जगह पर मैं इसके अंदर अब काली मिर्च अपनी डालूंगा। काली मिर्च आपने हसबे जरूरत डालनी है, मैंने बस थोड़ी सी डालनी है, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने सुर्ख मिर्च का भी इस्तेमाल किया। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी। मैं इसके अंदर गरम मसाला नहीं डालता, आप चाहें तो डाल लें। गरम मसाले का ये है कि जलन करता है सीने पर, तो इसलिए मैं नहीं डालता। अगर आपने डालना हो तो थोड़ा सा डालिए, ज्यादा ना डालिएगा। अब इसे मैं थोड़ी देर ढांक के रख दूंगा 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं ढक्कन उतार कर देखता हूँ ये किस पोजीशन में पहुंचा है। जब आपने इसके अंदर क्रीम डालनी है आंच थोड़ी सी कम कर देनी है पहले से, क्योंकि हम नहीं चाहते जो क्रीम है वो हमारी चले, वो बस खड़ी खड़ी दे। अब ये इसके अंदर मैं क्रीम डालने लगाऊंगा। ये अब मैंने क्रीम डाल दिया जी इसके अंदर। ये अब क्रीम डाल दी गई। अब मैं इसे ढांप के रख दूंगा हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए। लें जी, अब मैंने इसे हल्की आंच के ऊपर 2 से 3 मिनट पकाया, ये बेहतरीन हो गई है। अब ये देखें जी, ये भुन गई है। अब ये कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल रेडी है जी। अब इसे बस मैं गार्निश करूंगा हरी मिर्च के साथ, अदरक के साथ और हरे धनिया के साथ। हरा धनिया आज मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास हो तो आपने उसके साथ कर लेना। ये अदरक है, अदरक के टुकड़ों को मैंने इस तरह लंबा लंबा काट लिया। अब ये मैं इसके ऊपर गार्निश करने के लिए फेंक रहा हूँ। इसके साथ हमारे पास है जी हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैं इसके ऊपर, ये देखें जी, ये जो अब हमारी कढ़ाई है ये बिल्कुल रेडी है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आपको आएगा। और अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में भी हमारी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और दोबारा से आपको बता रहे हैं कि हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है वीलॉगिंग का, जिसमें हम अपने शहर अपनी डेली रूटीन को दिखाते हैं। तो आप उस चैनल पर भी जाएं और जैसे आपने हमारे इस चैनल को सपोर्ट किया उसको भी सपोर्ट करें, अपना प्यार दीजिए हमें। अब एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।